आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर मेरे साथ हैं और आज कोशिश करेंगे इनसे ये जानें कि वरिष्ठ नेता पूर्व जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की कल एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें तथ्य क्या है, सच क्या है और कांग्रेस विपक्ष में अगर है तो नज़र क्यों नहीं आ रही। मीर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। सबसे पहले प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का कल एक वीडियो वायरल हुआ है, NDTV के ऊपर खबर भी चली है, आपसे जानना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं जी कि मैं तो कैदबंद में हूँ, आपसे जानना चाहूँगा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके लिए क्या किया, लीगल स्थिति क्या है, क्या आप किसी कोर्ट को आपने अप्रोच किया है और उनकी आपसे अगर कोई बातचीत हुई है तो वो क्या कह रहे हैं कि इस वक्त पोजिशन क्या है, क्या वो हाउस अरेस्ट हैं, क्या वो आज़ाद हैं। देखिए, ये तो एक अजीब स्थिति पूरे एक साल से जम्मू कश्मीर में है और सोज साहब ने जो कल कहा है कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसका विटनेस हूँ। सोज साहब जैसे और बहुत सारे लोग पिछले एक साल के दौरान इलीगल डिटेंशन जिसको कहते हैं, मतलब जिसका कोई लिखा पढ़ा कोई भी आर्डर नहीं है मगर फिर भी रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड और हाउस अरेस्टेड ही हम उसको वर्ड कह सकते हैं, ठीक। और बहुत कम लोग हैं जिनको इन्होंने बड़े लीडरों को अंडर पब्लिसिटी सेफ्टी एक्ट में लगा दिया, नोटिस सर्व किया ताकि उनको उस लीगल नोटिस पर कोर्ट में जाने का भी एक जवाजियत बना। बहुत लोग गए, बहुत लोग नहीं गए पॉलिटिकली, मगर मैक्सिमम लोगों को अनडिक्लेयर तरीके से हाउस अरेस्ट, जिसमें पहले हम लोग भी थे, हमारे पास कोई रिटर्न नहीं था मगर 4.5 महीने तो कम्प्लीटली एक घर के अंदर बाहर पहरा लगा दिया कि यू आर अंडर हाउस अरेस्ट, ठीक। हम भी कोर्ट जाते तो मगर कोर्ट डॉक्यूमेंट मांगता था। इसी तरह से मेरे जैसे और बहुत पार्टियों के लोग जिनको रोका था। अब धीरे 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 जबानी खर्चे से बहुत लोगों का काम चल गया। जहां तक सोज साहब की बात है, जब मैं यहां से 17 मई को मुझे वीजा मिला कश्मीर जाने का स्टेट गवर्नमेंट से, तो मैं सबसे पहले सोज साहब के पास गया क्योंकि पार्टी का सीनियर लीडर है, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं आपके पास आना चाहता हूँ हालचाल के लिए। तो उन्होंने कहा शौक से आइए, तो कल 4 बजे तो मैं गया, तो 4 बजे जब वहां उनके गेट पर पहुंचा, आई वॉज नॉट अलाउड बाई हिज गार्ड्स टू एंटर द हाउस। फिर मैंने उनको फोन से बात किया तो कहा कि नहीं, मैंने उनको बोल रखा था मीर साहब आएंगे, बट एनीवे वो एक घंटा जुदजहद चला। अल्टीमेटली थानेदार, डिप्टी थानेदार, SSP, IG तक वो बात चली गई। फिर मैंने बात की, मैंने कहा IG साहब अगर कोई रिटर्न है इनके पास में तो वो बताइए, अगर नहीं है तो मिलने जुलने में क्यों दिक्कत है। खैर, उसने उस वक्त इंटरव्यू किया और मैं सोज साहब से 10 मिनट के लिए मिल पाया, ठीक। वो स्थिति आज तक लगातार है, ठीक। उनको गेट से बाहर जो उनका गार्ड है वो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं और फिर वो उनकी मिसेज सुप्रीम कोर्ट गई, ट्वीट्स और बाकी अखबारी खबरों को लेकर, क्योंकि रिटर्न कोई था नहीं, उन्होंने यही दिया था कि मेरे पास रिटर्न कोई आर्डर है ही नहीं, फिर भी मुझे बाहर क्यों नहीं अलाउ कर रहे या मेरे पास क्यों नहीं अलाउ कर रहे। तो जो गार्ड वहां पर, उन्होंने कहा हमें ऊपर से डायरेक्शन है, वर्बल डायरेक्शन है, हम नहीं अलाउ करें। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, चिदम्बरम साहब वहां पर पेश हुए, तो उन्होंने जब फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया कि ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि सोज साहब को हमने कभी अरेस्ट किया ही नहीं, डिटेंशन में लिया ही नहीं और कोई उसका हाउस अरेस्ट नहीं है, तो देयरफॉर ही इज फ्री। अब जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं और वो खबरें पूरी दुनिया में फैल गई, तो उन्होंने अगेन दूसरे दिन सुबह एक एफर्ट किया कि अपने घर से बाहर निकलने का, उस सुप्रीम कोर्ट के, उस स्टेट गवर्नमेंट के एफिडेविट के बावजूद उसको अलाउ नहीं किया अपने गार्ड्स ने। तो ये सिचुएशन खाली सोज साहब के साथ में नहीं, और बहुत सारे, आज आप इंडियन एक्सप्रेस में उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू पढ़िए कि उन्होंने उसमें बाजाबता डिटेल दिया है कितने लोगों को नोटिस शुरू हुई, कितने लोग जेल डाले गए, कितने लोग इसी तरह के,
कि वर्बल कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, जिसमें एक साथी उनका था कोई लीडर, तो जब नोटिस नहीं कुछ नहीं घर से बाहर नहीं जाने, तो अल्टीमेटली उसको मेडिकल चेकअप के लिए जाना था, उसको अलाउ नहीं किया मेडिकल चेकअप के लिए, उसने अपनी गाड़ी उठाई थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो उसको कंसर्न वहां पर पुलिस अथॉरिटीज ने कहा कि अगर मेडिकल चेकअप करना है हम आपको गाड़ी भेजेंगे सिक्योरिटी की, उसमें बिठा के, मगर मेडिकल डॉक्टर के अलावा आप दाएं बाएं कहीं नहीं जा सकते, और उसको उठा के ले गए, डॉक्टर को दिखाए, वापस अपने घर में डाल दिया। ठीक, तो ये जनरल एक सिचुएशन है जिन लोगों को छोड़ भी दिया, जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दे दूंगा, मैं आज के दिन पर हाउस अरेस्ट नहीं हूं, गलत नहीं बोलना चाहिए, मगर उसके बाद हाउस अरेस्ट ना होने के बाद मैं पूरे जम्मू कश्मीर में तंजीमी हेड हूं, और कहीं किसी जिले में कोई सुख है कोई दुख है, मेरे अपने लोग, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सीनियर लोग, नेचुरल डेथ भी हुई, मिलिटेंट किलिंग भी, मुझे आज तक उसमें अलाउ नहीं किया जा रहा है कि आप वहां पर तजियत करने जाओ। ये सिचुएशन, तो जैसे आपने कहा कि सोच साहब को लेकर के अभी भी एक ना तो कोई कागज है ना कुछ है, लेकिन वो अरेस्ट भी नहीं। मैं सब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लीगल चैलेंज, जब लीगली इसको, इस सारी स्थिति को चैलेंज क्यों नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या आपको लगता है या आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि कुछ नहीं ऐसा नहीं किया। सोच साहब का तो मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से मामला गया, तो जो बाकी लीडर हैं, बाकी लीडर जिसमें मैं फ्रंट रनर रहा, जब 5 महीने मेरे को कोई मूवमेंट नहीं करने दिया तो हम भी कोर्ट चले गए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जब हमने पेटिशन दिया, स्टेट को नोटिस गया, स्टेट ने जवाब ही नहीं दिया 3 महीने तक। अच्छा, कोई जवाब नहीं, ये कि बंद है या नहीं है। अल्टीमेटली कोर्ट ने 3 केसेस, 3 डेट्स उसमें एमरजेंसी करके लगाए, 3 डेट्स गुजरने के बाद जब जवाब नहीं तो उन्होंने फाइल फेंक दी। फिर हमने रीडेवलप किया दोबारा, उस बीच में जब हमने सरकार को इन राइटिंग अपनी मूवमेंट के बारे में लिखा, कोई जवाब नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, DGP को, IGs को, सबको, जब कोई उधर से अलाउ नहीं किया तो वो डॉक्यूमेंट लगा के हमने फिर डाला, अगेन कोर्ट ने वो रजिस्टर लिया। उसके बाद कोविड हुआ और वो कोर्ट्स उनने बंद कर दिए, तब से लेकर आज तक वो केस ही नहीं उठा। मेरे साथ मुझे बताएं कि राजनीतिक शुरुआत करने की बात जो है कश्मीर घाटी में करी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पावरफुल जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी लोग आज़ाद हैं, वो राजनीति कर सकते हैं, और एक उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू आना, और उसके बाद नईम अख्तर भी आजकल एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको वाकई लगता है कि राजनीतिक शुरुआत कश्मीर घाटी में हो चुकी है, या आपको अभी भी लगता है कि कोई ऐसी शुरुआत नहीं है? देखो, राजनीति कभी बैठती नहीं है जी, ऐसा नहीं है। जो 5 अगस्त 19 से पहले जिस तरह की राजनीति होती थी, डिफरेंट पार्टी के लीडर्स कोई ना कोई ओकेजन बनाते थे, कन्वेंशन करते थे, वर्कर्स मीटिंग करते थे, एग्जीक्यूटिव मीटिंग करते थे, उस प्लेटफॉर्म के बहाने वो अपनी पार्टी की लाइन लोगों के सामने रखते थे। ठीक, तो वो तो 5 अगस्त के बाद से बंद है, अभी भी बंद है, टोटल बंद है। ठीक, आप कोई भी 10 लोगों को, क्या जम्मू संभाग में भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे फिलहाल, यहाँ कोविड का बहाना। हमने 2-1 एक्टिविटीज आपके नॉलेज में, जब हमने स्टेट को लेकर प्रोटेस्ट किया था, 1500 लोग लेकर किया था, DC को मेमोरेंडम दिया था, वी वर अलाउड, हमने किया। उसके बाद में कुछ ही दिन के बाद कोविड के जरिए जो एडवाइजरीज आई है, यहाँ तक कि 2 महीने हमारा PCC ऑफिस तक बंद करवाया गया। ठीक, वो तो फिर बड़ी मुश्किल से 3 लोगों का पास लिया, हमने कहा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमने हेल्पलाइन चलाने हैं, लोगों को मदद करने की खबरें सर्कुलेट करनी है, 3 लोगों का पास मिला। और 3 लोगों से शुरू करते करते बीच बीच में जब रिलैक्सेशन दी सरकार ने, उस रिलैक्सेशन का फ़ायदा हमने उठाया, हमने कुछ प्रोविंस भर की, डिस्ट्रिक्ट्स की, स्टेट बॉडीज़ की मीटिंग्स वहाँ पर करी। इवन पिछले 1 हफ्ते में मैंने 5 मीटिंग्स की, और तमाम ओहदेदारों को बुला करके ग्राउंड सिचुएशन को लेकर हमने इंटरेक्शन किया, पार्टी को और मजीद फाल कैसे बनाना है उस पर हमारा चर्चा हुआ। जो कश्मीर में आपको मूवमेंट की इजाजत नहीं है, कोई नहीं, कश्मीर में श्रीनगर से मेरा वेरीनाग तक, अपने घर तक, पिछली ईद को और उसके बीच में 2 बार, और उसमें रेस्ट्रिक्शन है श्रीनगर से वेरीनाग जाने के लिए, यू विल नॉट गो वाया अनंतनाग, जो हमारा असली घर है डिस्ट्रिक्ट के बीच में, उसमें डायरेक्शन रहती है कि श्रीनगर से सीधे जिग पर
क्या हालात इतने खराब हैं इसलिए आपको कहा जा रहा है कि वो बताएंगे, ये सवाल तो आप उनसे पूछें। आप तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि लोग आपसे बहुत नाराज हैं 5 अगस्त के बाद, मतलब अगर अगर आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी गई तो आप, वो तो प्रेजेंट सिस्टम से नाराज है जिन्होंने उस तरह के फैसले लिए जम्मू कश्मीर के बारे में और बिना लोगों को ऑन बोर्ड लिए हुए। सबसे बड़ी बात है कायदे कानून पहले भी इस रियासत में मतलब नए भी आए बदले भी गए, पर उसका एक जमहूरी तरीका होता था कि यहाँ पर इलेक्टेड हाउस हो, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हो, उनको कहीं ना कहीं चर्चे में लाया जाता है, उनके साथ बैठक की जाती थी, कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते। मतलब ये जो 5 अगस्त को हुआ इसमें जम्मू कश्मीर के किसी भी शख्स को, किसी भी एक आम आदमी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये यूनिलेटरल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया। जैसे आपने कहा यूनिलेटरल डिसीजंस लिए, मीर साहब आप वर्किंग ग्रुप भी बने, वर्किंग ग्रुपों के अलावा भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम में हर कोशिश की गई मफाहिमत की, पाकिस्तान से भी बातचीत हुई, हुर्रियत को भी ऑन बोर्ड लिया गया, हर चीज़ की गई, इंटरलॉक्यूटर्स भी जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार ने भेजे, उसके बावजूद आतंकवाद वैसे का वैसा, अलगाववाद वैसे का वैसा, गोली चलती रही, मासूम लोग मारे जाते रहे। आपने तमाम फॉर्मूले कश्मीर को लेकर जो है हर फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई किया गया। कांग्रेस के कार्यकाल में ही अगर देखा जाए तो लगभग 75 से ज़्यादा फॉर्मूले कश्मीर के मसले को हल करने के जो हैं टेबल पर आए, डिस्कस हुए, डिबेट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन न पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजने बंद किए, ना आतंकवाद के कारण लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वो ख़त्म हुई। 5 अगस्त के बाद जो एक फैसला लिया गया, मीर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 अगस्त से लेकर आज के दिन तक एक बात तो हकीकत है कि पत्थरबाजी कम हुई है, एक बात हकीकत है कि आतंकवादियों पर ज़बरदस्त प्रेशर है, रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं 5 अगस्त के बाद जो यूनिलैटरल फैसले लिए गए, जो फैसले लोगों से बातचीत करके मफाहिमत के साथ फैसले लिए गए, 5 साल 2014 से 2019 तक इंटरलॉक्यूटर आए, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट तक कश्मीर घाटी पहुंचे, गिलानी के दरवाजे पर भी दस्तक दी लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए, और क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना न्यूसेंस और नॉनसेंस बर्दाश्त किया जाना चाहिए? आतंकवादियों को और अलगाववादियों को इतना मौका दिया जाना चाहिए? और अगर एक फैसला लिया गया, आपसे जानना चाहूँगा कि उस फैसले के बाद जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों से नहीं पूछा गया, क्या आपको लगता है कि लोगों से पूछने की ज़रूरत थी? नहीं तो अगर आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लोगे, जमहूरियत का पालन नहीं करोगे तो फिर तो आप डिक्टेटरशिप में जा रहे हो। क्या वो देश के हित में है? अगर कॉन्स्टेंटली कई सारे इकदाम उठाने पर आपको वो खातिर खा रिजल्ट नहीं आए जो आप चाहते थे, अब आपने दूसरे तरीके के फैसले लिए तो क्या उससे रिजल्ट आ रहे हैं? क्या आप समझते हो कि जम्मू कश्मीर टेररिज्म मुक्त हो चुका है? अगर ऐसा है तो मैं भी सल्यूट करूंगा। आपको लगता है आप अनंतनाग, मैं तो वहां का नहीं हूं, आप हैं, क्या नकेल आतंकवाद पे कसी गई है? देखिए नकेल अपने अपने तरीके से हर रिजिम ने किया। कौन सा ऐसा सरकार बनी हो दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में जिसने अमन बहाली की कोशिश ना की हो? जो अमन में खलल करने वाले लोग हो, वो चाहे मिलिटेंट हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, एंटी नेशनल्स हो, तो उनको लगाम कसने की कोशिश ना की हो? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सरकार जम्मू कश्मीर में या देश में आई हो कि जिन्होंने फ्री कर दिया होगा कि आतंकवादी घूमे, एंटी नेशनल घूमे और देश को धर्म भरम करे। हर रिजिम ने अपने तरीके से डील किया। मगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई इख्तियारात हैं, तो उन तरीकों को इस्तेमाल करके बहुत सारे वक्तों पर बहुत सारे फायदे भी हुए, रिजल्ट्स आए। तभी तो आपको 1990 में हालात पैदा हुए, वो 96 में नहीं थे। तब तो आपने एक डेमोक्रेटिक सरकार वहां चुनी और जो 96 में थे 2002 तक वो और बेहतर हुए, 2002 से लेकर 2008 तक और उसमें इम्प्रूवमेंट आई, जब आपने एक पैरेलल एक डेवलपमेंट का एक मिशन चलाया, जब आपने एम्प्लॉयमेंट का एक सिलसिला चलाया, लोग आए जो पहाड़ों पर थे, बहुत लोग आए और मेन स्ट्रीम में सही रास्ते पर काम में जुट गए। उसी तरह से
अब 2014 से आप बैठे हैं वहां पर, आपने जो आप सरकार से बाहर रहकर कई बार कहते थे ये आतंकवादी आते कहां से, बॉर्डर तो हमारे हैं, बॉर्डरों पर तो फोर्सेस हमारे हैं, ये मोदी साहब कहते थे, उनके वीडियोस हैं, ये करेंसीज ये पैसे आते कहां से है, इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चेक क्यों नहीं करती है। आज तो वो 6 साल से है वहां पर, क्या उन्होंने वो सारी चीजें चेक करी? क्या आपको लगता है आतंकवाद में कमी आई है कश्मीर घाटी? नहीं, कमी आती भी है, आई भी है, हम उसको इनकार नहीं करेंगे, मगर खत्म तो नहीं हुआ, ठीक, फिनिश तो नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप डीजीपीज का साल भर में 2 बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती है, 1990 से लेकर आज तक कितने फ्लैश आउट, ऑल आउट, फिनिश आउट सारे प्रोग्राम चलाए गए, हर रिजिम ने चलाया अपने हिसाब, किसी ने बोल बाल के चलाया, किसी ने दर पर दर चलाया, मगर अल्टीमेटली आप फिर 2 दिन पहले का अगर आप आंकड़ा देखेंगे पुलिस डिपार्टमेंट का, वो फिर 196 लोगों की एबीपी मौजूदगी कह रहे हैं जी, 200 से कितने भी आप प्रोग्राम चलाओगे 200 से नीचे फिगर तो हमको सुनने को नहीं मिलती है जी। तो देयरफॉर जिस दिन किसी के भी रिजिम में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी साफ हो और नॉर्मल सी आ जाए, कोई अंधा आदमी भी उसको वेलकम करेगा। मीर साहब, जानना चाहूंगा कि अलगाववादी नेता जितने भी हैं, उनमें सबसे बड़े अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि वजूहात उनकी आंतरिक मामला है उनका, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि लुप्त हो गए हैं तमाम अलगाववादी नेता, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई कैलेंडर इशू नहीं कर रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, कोई हंगामा नहीं कर रहा, सब खामोश बैठे। देखिए हंगामा प्रोटेस्ट जब आप मेन स्ट्रीम को अलाउ नहीं कर पा रहे हो, जब आप मेन स्ट्रीम मतलब जिनका वजूद है जम्मू कश्मीर में जो लॉन्ग, पर उसकी ये वजह भी तो हो सकती है, आतंकवादियों के निशाने पर भी तो मेन स्ट्रीम के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हर वक्त रहे हैं। वो तो हमेशा है, वो तो कौन सा टाइम ऐसा रहा है कि जब वो नहीं, हादसे आपके शायद उस वजह से आप लोगों को ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी, हादसे आपके गवाह है कि कौन सा रिजिम 90 से 96। अलगाववादियों पे जो ये मतलब खामोशी उनकी, उसको कैसे देखते हैं? वो देखें मगर जहां तक खुश हैं आप, उस खुश हैं आप गिलानी के इस्तीफा की आपने हुर्रियत से देने की बात है, मैं उसमें सबसे बड़ा रीजन देखता हूं उनका एज और उनका हेल्थ जी। तो हो सकता है वो भी एक रीजन रहा हो कि अब वो उस एक्टिविटी के लायक नहीं, शायद जो मुझे रिपोर्टिंग है शायद बोलचाल भी नहीं है, ऐसे में वक्त से पहले फोरम से खुश है आप कि अलगाववादी नेता खामोश है? नहीं, हम खुश हमेशा उस चीज से रहेंगे जिससे देश में और प्रदेश में अमन हो, तरक्की हो और रोजगार के मौके ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, नौजवान खुश हो तो हम खुश हैं। मेरे साहब, आपसे जानना चाहूंगा डिलिमिटेशन को लेकर, डिलिमिटेशन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और पूर्व जस्टिस हसनैन मसूदी, तीनों मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तीनों ने कहा जी हम इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे, हमने डिलिमिटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, आप इसको अकलमंद फैसला मानते हैं? वो तो वो बता सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, मेरी पार्टी का क्या आपसे डिलिमिटेशन को लेकर आपसे कोई बातचीत हुई है? क्या आपको लगता है कि आपको इन्वॉल्व किए बगैर डिलिमिटेशन करना मुमकिन है? आपसे तो पूछा जाना चाहिए। नॉर्मली डिलिमिटेशन के प्रोसेस में तो ये होता है, नॉर्मली जब जब भी डिलिमिटेशन हुआ है तो उसमें ये प्रोसीजर नहीं होता था जो आज अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें तो डेमोक्रेटिक तरीका है, उसमें चाहे गवर्नमेंट मौजूद हो उसके साथ अपोजिशन होती है, दोनों फरीकों से बात होती है, राय मशवरा होता है, नुमाइंदों से बात, एक्सेप्ट करेंगे अगर डिलिमिटेशन की कोई रिपोर्ट आती है जो आपको लगता है कि अगर वो यूनिलैटरल हो तो हम क्यों एक्सेप्ट करें? अगर उसमें कोई किसी की कंसल्टेशन ही नहीं, अगर हमारी राय ही उसमें शामिल नहीं है, सीटें बढ़नी है ये तो हमको साफ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है, 83 को 90 करना है अगर यूटी ही बना रहता है। जब पूरा जम्मू कश्मीर कहता है कि हमें स्टेट वापस दो तो उस वक्त के डिजाइनर्स अलग होंगे, ठीक, उस वक्त के फार्मूलाज अलग होंगे जी। तो अभी एक तरफ आप 5 अगस्त और 15 अगस्त को और 13 अगस्त को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा स्टेट आएगा, तो दूसरी तरफ से आप डिलिमिटेशन एज पर यूटी कर रहे हो जी। तो मुझे नहीं लगता ये दोनों चीज अभी मेल खा रहे हैं, एप्रोप्रिएट टाइम है इस सवाल को डिस्कस करने का, पहले डिसाइड करें स्टेट जिस रास्ते से लिया उस रास्ते से वापस दे रहे हैं वो, अगर दे रहे हैं आप 370 भी वापस चाहते हैं? नहीं, हम कह रहे हैं पहले जिस रास्ते से लिया है जो कुछ था, ये बीजेपी को खुद महसूस हुआ है,
नहीं 370 को वापस चाहते हैं। मैं पहले वो बात कह रहा हूँ, बीजेपी को देखो हम कोई भी राय दें उनको माननी नहीं है जी। हम 370 भी वापस मांगे वो क्यों माने, हम कहें ना भी दो। अब कांग्रेस के नेता के तौर पे 370 वापस मांग रहे हैं या कश्मीर घाटी के काम नागरिक के तौर पे 370 वापस मांग रहे हैं? ये ना कश्मीर घाटी की बात है ना कांग्रेस की बात है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम की बात है। आप इसी रियासत के रहने वाले हो, आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर का जो तूल अर्ज है, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, ये कठुआ से लेफ्ट से शुरू होता है, कठुआ में क्लोज होता है जी बिल्कुल। आप इसको किलोमीटर में नापिए आपके बॉर्डर, फॉर एग्जांपल ये 5000 किलोमीटर है पूरा, 5000 किलोमीटर में कितने किलोमीटर है जहां पर जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है? आप इसको एसेस करिए, ठीक, मेरे ख्याल से हार्डली 100 किलोमीटर आउट ऑफ 5000। तो ये 5000 का 1.5% भी नहीं होता है, ठीक, 1.5% जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स में ऐसा है कि जहां हमारा देश का बॉर्डर है इंटरनेशनल नहीं है। बाकी तो 9900 किलोमीटर आप इंटरनेशनल बॉर्डरों से गिरे हुए हैं, ठीक, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पीओके और भी कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी पीसेस है। क्या ऐसा कोई रियासत हिंदुस्तान में है जिसका 98% उसका सराउंडिंग इंटरनेशनल से भरा हो? जी ठीक, कोई ऐसा रियासत बताओ। मेरे कहने का मतलब है कि जब 98% आप अपने पड़ोसी मुल्कों से, दोस्तों दुश्मनों से भरा हुआ है, तो उसके दोस्ती दुश्मनी के इम्प्लीकेशन भी जम्मू कश्मीर के 225,000 लोगों को भुगतने पड़ते हैं, रूटीन पढ़ते हैं जी। जो उन एरियाज में रहने वाले लोग हैं, स्टूडेंट है, वो एट पार चंडीगढ़ की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जी। उन एरियाज में रहने वाला नौजवान दिल्ली बंबई के बराबर पढ़ाई नहीं कर सकता है, ठीक, हो ही नहीं पाता है। ज्योग्राफिकली हमारी कंडीशंस ऐसी है कि हम वर्स्ट जोन में हैं जी। हमारा बिजनेस अपना कुछ नहीं है, ठीक, हमारे पास कोई ऐसे फैक्ट्रीज, कोई ऐसे इंडस्ट्रीज नहीं है। कह रहे लाएंगे, अब जब आएंगे तब आएंगे, मैं फिलहाल 70 साल की बात कर रहा हूँ जी। और ये सारे इम्प्लीकेशंस हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतने पड़ते हैं जी। इसलिए अगर एक अच्छे रूलर की तौर पर, अच्छे भारत को चलाने वाले रूलर की तौर पर आप देखोगे, ये खत्ता भारत का है, ये लोग भारत के हैं, इन इस खत्ते में रहने वाले लोगों को मैंने कैसे चेन्नई के लोगों के बराबर खड़ा करना है जी, एजुकेशनली, डेवलपमेंट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से बम्बई के बराबर खड़ा करना है, दिल्ली के बराबर खड़ा करना है, चलो छोड़ो दिल्ली, लखनऊ के बराबर खड़ा करना है, तो उसके लिए तो कुछ तो आपको सोचना होगा ना कि इनको मैं इस मुसीबत से निकालने के लिए, इनको खड़ा करने के लिए मुझे कुछ करना है। अगर आपको 370 से एलर्जी है, वो आपका चूंकि पार्टी का डिजाइन रहा है, कब बनाया है, क्या बनाया है, क्या सोचकर बनाया है, तो आप हमारे सामने प्लान लेकर आइए ना कि 370 भाई मेरी एलर्जिक आइटम था, मैंने निकाल दिया, ठीक, मैं 475 बनाऊंगा और उसके तहत इस खत्ते में रहने वाले नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को, ये हॉर्टिकल्चर चलाने वालों को, दूसरी चीज सियाहत को बूस्ट करने के लिए मैं ये चीज दे रहा हूं, 370 से आगे दे रहा हूं, ठीक, ठीक है, क्योंकि वो एलर्जिक आइटम है आपको, क्योंकि वो 1947-48 में उन पूर्वजों ने बनाए जिनको उस वक्त समझ थी देश की, जब उन्होंने तिनका तिनका रियासतें जोड़ी, किस रियासत का क्या मिजाज है, किस रियासत की क्या कंडीशंस है, उस लिहाज से उन्होंने एक वो हेल्पिंग वर्ब उसमें डाल दिया था, ठीक। ये तो थोड़ा सा इतिहास की बात होगी, मैं सब आपसे ही जानना चाहूंगा, 4G का मामला है, टोल प्लाजा को लेकर लोग परेशान हैं, उसके अलावा अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से को लेकर भी नौजवान परेशान हैं। आप फेसबुक यूट्यूब के ऊपर जाएं, NYC वॉलंटियर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, कैजुअल लेबरर्स हो, हर आदमी जो है, हर आदमी सड़क के ऊपर है, और हमें बहुत मैसेज आते हैं जी कि आप हमारी बात करिए, आप हमारी बात करिए, और हद तो अब ये हो गई है कि कई लोग हमें फोन कर कहते हैं जी हमारी बात आप फलां जगह रखिए, हमारा मसला हल करवाइए। तो ये सब चीज़ें इस और इशारा करती हैं कि लोगों में बेबसी है कि भाई कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कोई नेता ही नहीं। कांग्रेस विपक्ष में है, आपकी पार्टी में 30 बड़े नेता जो हैं पिछले
इस टेन्यूअर में जो है वो पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में चले गए, गूलरनाज गुलाबगढ़ का एरिया आपका खाली हो गया, इसी तरीके से डोडा के कुछ लीडर जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ अभी संपर्क में हैं, कश्मीर के आपके कुछ नेता वो उस पार्टी में चले, यूं कहिए अपनी पार्टी कांग्रेस और पीडीपी का गठजोड़ है। जानना चाहूँगा आपसे कि आप विपक्ष की मजबूत आवाज़ बनकर कांग्रेस सामने क्यों नहीं आ पा रही? आपने 5 सवाल इकट्ठे किए, 2G चलाया, 4G चलाया और डोमिसाइल भी चलाया और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी चलाया, अपनी पार्टी भी लाया, ये तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मगर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो 4G है ये तो लिया किन्होंने, ये सवाल उनसे पूछना है। ठीक है। और डोमिसाइल अब लाया किसने लाया, तो जो उनके अपने वोटर थे वो उस पर क्या कह रहे हैं, शायद उसकी हीट दिल्ली को महसूस हो रही होगी, क्योंकि हम कहेंगे उस पर ज़्यादा, तो उनको तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पर कहना है कि नहीं जो हमने किया 70 साल गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, मगर आप चूंकि उनके अपने लोग जिन्होंने उनको 25 सीटें दी थी जम्मू से, जिन्होंने उनको 2 पार्लियामेंट मेंबर दिए थे, वो उनको हीट फील करा रहे हैं, तो उस रास्ते से हमें लग रहा है कि कुछ उनको रीथिंकिंग होगी। जहाँ तक आपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, पहले तो गलत फिगर आपने बता दिया है कि कोई 30 लोग आपके चले गए, हमारे पोटेंशियल 4 लोग गए पोटेंशियल, बाकी तो चुनावी और इस तरह के मोमेंट में कार्यकर्ता आते जाते हैं, रोज 10 जाते हैं, रोज 10 आते हैं, 4 लोग हमारे गए, एक बीजेपी में सीधे चला गया अखनूर से, 2 आपके गुलाबगढ़ के गए और 1 आपका बांडीपोरा का गया, ये 4 लोग आपके अच्छे पोटेंशियल गए, तो उसमें कोई शक नहीं है। 3 लोग उसमें बुखारी साहब के साथ गए, 1 बीजेपी में चला गया। ये सवाल तो किसी टाइम आप उनसे पूछ लीजिए, मेरे ख्याल से उसमें ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसी खामी की वजह से वो नहीं गए होंगे, जहां तक मेरी समझ है। कुछ उनके जाति कुछ मसले होंगे। मैं कल भी आपके एक चैनल में कहा कि पहले MRI हमने नाम सुना था, ये शायद हेल्थ डिपार्टमेंट में होता था, बॉडी को मैग्नेटिक वो अंदर से देखना कहाँ पर क्या दिक्कत है, जब विजिबल नहीं दिखता है तो MRI करते। तो मोदी साहब के रिजिम में ये MRI अब सियासी तौर भी हो रहा है। आपका भी हुआ? हो सकता है, किया होगा, सैटेलाइट से किया होगा, MRI में कोई प्रॉब्लम निकलेगी तो मुझे चार्जशीट सामने आएगा जी। मगर जिन जिन को अगर ये हुआ होगा, उसमें कोई किडनी प्रॉब्लम दिखाई दी हो, हार्ट प्रॉब्लम दिखाई दी हो, तो उसका इलाज यही है, या तो सिक्किम उस जाओ, एम्स जाओ, या फिर किसी पीर फकीर के पास जाओ, इलाज कराओ, तो वो फिर उनका अपना ऑप्शन है जी। तो वो हो सकता है ज्यादा रीजन्स वो होंगे जी, अदरवाइज कोई ऐसा रीजन नहीं। कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, बहुत अच्छे अच्छे कदम भी लिए और कहीं कहीं पर जिगजैग भी हुआ होगा। मानते बुरा वक्त है ये कांग्रेस के ऊपर? नहीं, बुरा वक्त इसलिए कि लोगों ने नकारा फिलहाल हमारे मैंडेट को, हमारी बात उनको पसंद नहीं आई तो उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि पब्लिक तो मालिक है जी। जब उन्होंने 40-45 साल कांग्रेस का दौर भी चलाया, इशारों से वोट भी दिए, थोड़ी देर के लिए नाराज भी हुए, उसमें मैं जहां तक समझता हूं सबसे बड़ा रीजन शायद हम पावर ओरिएंटेड हो गए थे कि हम तो शायद पैदाइशी पावर के लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कैडर्स है, जो रैंक एंड फाइल होता है नीचे एक नुमाइंदे के, तो जब हम पावर में बने रहे तो कहीं ना कहीं रैंक एंड फाइल को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया, वो रैंक एंड फाइल ने ही हमको थोड़ा सा गर्दन मोड़ ली थोड़ी देर के लिए और आउट ऑफ पावर कर दिया। ठीक। तो आने वाले वक्तों में मुझे पूरा भरोसा है कि वो कैडर्स को भी समझ आया कि इतना बड़ा सजा देना पार्टी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि सजा उनको भी लगा जी, बड़े नेताओं को तो नहीं लगा, वो तो आज भी एयर कंडीशनर्स में बैठे हैं, आज भी लाल पीले दिख रहे हैं, मगर सजा अगर लगा फिर वर्कर को ही लगा, तो वो वर्कर वापस अपने ट्रैक पर आकर, हमने लगातार अपील की वर्कर्स को, उनको समझ भी आया, मुझे उम्मीद है आने वाले वक्तों में वो वर्कर अपने इस 135 साल पुरानी पार्टी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सबको साथ ले चलने वाली पार्टी के, इनके प्रोग्रामों को फॉलो करेंगे, लीडरशिप को फॉलो करेंगे और कांग्रेस को खुशी खुशी बरसरदार लाएंगे, ताकि रियासत और हिंदुस्तान खुशहाल रहे। एक आखिरी सवाल मेरे साहब से, उमर अब्दुल्ला का बयान है और उनका इंटरव्यू बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू के अल्फाज
यूं लगता है कि जी 370 के ऊपर और 35A के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मान लिया कि ठीक है, अब ये तारीख का हिस्सा हो गए हैं, इन्हें आगे गले में लटका कर घूमना ठीक नहीं है, अब स्टेटहुड की बात की जाए, स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। हालांकि कल उन्होंने बयान में कहा भी जी मैंने स्टेटहुड तो मांगी ही नहीं, ठीक है, लेकिन उनके बयान से जो सियासी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जी ये वो इस पोस्ट 370 रियलिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। क्या आपको लगता है कि बाकी कश्मीर के जितने लीडर हैं आप भी उनमें हैं, क्या पोस्ट 370 वाली रियलिटी अब आपने एक्सेप्ट कर ली है कि जी घड़ी की सुइयां वापस नहीं जा सकती? उसका मैंने जवाब दिया ऑलरेडी, पहले सवाल में जवाब दिया, 370 खैरात में नहीं था, 370 कोई एहसान भी नहीं था। कल तक ये 370 जोड़ा जाता था ये कुछ कश्मीर के लोग, आज उनको महसूस हो रहा है जब उनको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है कि ये स्टेट सब्जेक्ट घर में रखो, डोमिसाइल ले लो जी, और आपको दो नंबर पर देंगे, पहले जो बिहार दिल्ली छत्तीसगढ़ से लोग हैं स्टेट बाबू की होगी, आप भी मानते हैं है? लोग कहते हैं स्टेट बाबू की होगी, बाबू लोग स्टेट चला रहे हैं कोई है इस वक्त, तो कोई किसी की लैंड है इस वक्त, नो मैन इज लैंड है। अगर आप कल तक आप ही मीडिया के साथी कहते थे पॉलिटिकल सरकार होती थी तो करप्शन का बोलबाला अक्सर आप लोग कहते थे, ट्रांसफर के पीछे पैसा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आज आप एक्सरे लगाकर देख लीजिए, आप तो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स करोड़ की सीधे गेम्स हो रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का अपना एक संगठन होता है, वहां कोई एक दूसरे का एनिमी नहीं है जैसे सियासत में होता है, हर आदमी के पीछे एक आदमी होता है। 39 लाख भी लोग ले लेते हैं वापस दे देते हैं, व्हाटएवर, वो आपको सबको पता है। तो मुझे अच्छा लगता है किसी टाइम वो एपिसोड आप बना लेते हैं आज के हालात में कौन चला रहे और कैसे चला रहे, और जो अपने आप को दूध के दूल्हे पेश कर रहे थे, अब तो कठुआ से भी आपके पास स्टोरीज आ रही है, अब तो आपको सांबा से भी स्टोरीज आ रही है, अब तो आपको मुट्ठी में भी स्टोरी सुनने को मिलेंगी, और दूर दूर तक नगरोटा में भी स्टोरी सुनने को मिलेंगी। तो उन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान से देखो, या तो कहो मत कि मैं दूध का दूल्हा हूं, अगर हो तो फिर ये चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं जैसे कोविड के लिए हम कह रहे हैं जितनी टेस्टिंग आप बढ़ाओगे उतने ही हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स केसेस आपको यहाँ मिलेंगे, फिगर तो एकदम जंप करेगा, यू विल गेट एटलीस्ट 5 लाख केसेस ओवरनाइट, क्योंकि टेस्टिंग, तभी हमारे पास सामान नहीं था। उसी तरह से अगर आप चीज़ों को छानबीन में डालोगे, अगर आप जमहूरियत को चलने दोगे, अगर आप RTI एक्टिविस्ट्स को रिपोर्ट जवाब दोगे, पिछले 1.5 साल से जम्मू कश्मीर में किसी RTI का जवाब नहीं मिलता, किसी भी चीज का आप इंक्वायरी करो नहीं मिलता है। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं मगर आपके जरिए बहुत सारे मीडिया वाले भी उस साइड से पर्दा रखे हुए हैं, ढक्कन वो अभी भी अपोजिशन के ही पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको मजा आता है सवाल पूछना, रूलिंग से तो सवाल पूछ नहीं सकते हैं, और पूछोगे सही सवाल पूछोगे तो शायद शाम को चैनल बंद करवाएगा, आपको भी हीट महसूस होगी कि हाउ द अपोजिशन पार्टीज आर। आपको अफसोस होता है आपने अपने वक्त में ये सब नहीं किया? नहीं, हमें अफसोस नहीं है, हम फराग दिलाना तरीके से काम करने वाली पार्टी है, और हम सबको हंसते खेलते देखना चाहते हैं, चाहे हमारा विरोध भी क्यों ना करने। हमने ही टीवी चैनल शुरू किए, हमने ही कानून लाए, हमने ही लाइसेंसेस दिए, और हमें इस बात का दुख नहीं है कि मतलब वो हमारा आलोचना करते हैं जब हम सरकार में। दुख अब होता है कि आज की सरकार को सवाल न करके आज भी कांग्रेस को ही सवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर। बात बिल्कुल साफ है कि सवाल विपक्ष से नहीं, सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, मगर सरकार से सवाल पूछेगा कौन। और दूसरी एक बात और साफ तौर पर कही कि दाएं बाएं जो कुछ हो रहा है वो इस ओर इशारा करता है कि जमीन उतनी साफ नहीं है जितनी साफ दिखाई और बताई जा रही है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, कांग्रेस एक मजबूत जमात है, उभर कर सामने आएगी, ये कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का। फिर हाजिर होंगे ऐसी किसी हस्ती के साथ ऐसी कुछ तीखी और साफ बातें करने के लिए। लीजिए इजाजत, आदाब।